जिला के अध्यक्ष श्री रजिस्टर सिंह जी, प्रदेश सह संयोजक आईटी श्री हिमांशु राज पंडित जी, प्रदेश सह संयोजक सोशल मीडिया श्री शशि कुमार जी, क्षेत्रीय संयोजक आईटी श्री अनादि प्रिय पाठक जी, क्षेत्रीय संयोजक सोशल मीडिया श्री सौरभ अग्निहोत्री जी और आज के इस विभाग की विशेष कार्यशाला में उपस्थित आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आपके इस कार्यशाला के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने भी आज के इस सबसे बड़े हथियार का उपयोग न केवल संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं समय बदला है। मुझे याद है जब हम लोग 1990 के दशक के अंत में सार्वजनिक जीवन में आए थे तो उस समय मीडिया में प्रिंट मीडिया का बोलबाला था और प्रिंट मीडिया की प्रभावी उपस्थिति थी। एक समाचार पत्र घर में और गांव में भी जाता था, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। किसी चाय की दुकान में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है। अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में उब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसके पास स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, वो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहां पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है। जिस समाचार के लिए आपको गांव में चाय की दुकान में
किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक पुस्तकालय में, बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे 90 के दशक तक जिनके पास समाचार पत्र खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता था, या किसी को बहुत सारी चीजें होती थी कि कई कई पेपर पढ़ना चाहता था तो किसी पुस्तकालय का सहारा लेता था, किसी अन्य ऐसे परिवारों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से वह समाचारों को और गहराई से देख सके, जान सके, उसके महत्वपूर्ण कतरन को अपने पास रख सके। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है, ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है, जमीन के नीचे जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर विभाग, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपद हैं, उनकी ये विशेष कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज संयोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, ये सोशल मीडिया है, यह दो चीजें हमें देखनी होंगी। प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, डिजिटल मीडिया में भी कभी कभी एक तरफा ही संवाद होता है, लेकिन सोशल मीडिया में दो तरफा संवाद होता है, आपके पास इसका एक स्पेस होता है। याद रखना, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं, तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही, तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।